तहरीक इंसाफ की दोगली पॉलिसी, एक तरफ असेंबलियां तहलील करने की बातें तो दूसरी तरफ पंजाब की सूबाई काबीना में तौसी भी कर दी गई। पीटीआई के रुकन पंजाब असेंबली ख्याल कासरो बतौर वजीर हल्फ उठा लिया। यह आम खबर, तहरीक इंसाफ की दोगली पॉलिसी, एक तरफ असेंबलियां तहलील करने की बातें तो दूसरी तरफ पंजाब की सूबाई काबीना में तौसी भी कर दी गई। पीटीआई के रुकन पंजाब असेंबली ख्याल कासरो बतौर वजीर हल्फ उठा लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे कजाफी बट से। कजाफी बट, ये क्या हो रहा है? वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी तकरीब में शरीक थे। देखिए जी, ऐलानात तो पहले किए गए और बुनियादी तौर पर ये असेंबली तहलील का मामला है उसको रोकने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं और इमरान खान के बयानात के ऊपर चौधरी परवेज इलाही पानी फेर रहे हैं। इसी वजह से आज काबीना के अंदर एक और रुकन का इजाफा किया गया और ये पीटीआई के रुकन असेंबली है ख्याल अहमद कासरो, जो पहले भी काबीना का हिस्सा रहे और आज दोबारा ये काबीना का हिस्सा बन गए हैं और गवर्नर हाउस में इन्होंने हलफ उठाया। बलीगुर रहमान ने इनसे हलफ लिया और चौधरी परवेज इलाही ने इस तकरीब के अंदर जो है वो शिरकत की है और जो जराए हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान के नॉलेज में ये चीज नहीं लाई गई कि काबीना के अंदर उन्हें शामिल किया जा रहा है और आज काबीना के अंदर ख्याल अहमद कासरो जो पीटीआई के रुकन असेंबली है। पॉलिसी सामने आई, अपडेट करने के लिए शुक्रिया कजाफी भट्ट।